बेंगलुरु टेस्ट में मिली जीत का फायदा जहां टीम इंडिया के दोनों स्टार स्पिनरों को हुआ है, वहीं कप्तान विराट कोहली को खराब बल्लेबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा है। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ऐसे पहले दो स्पिनर बन गए हैं जो एक साथ शीर्ष स्थान पर मौजूद हैं। आईसीसी की ओर से जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैचों में अपने साधारण प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली फिसलकर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। आईसीसी के बयान के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जडेजा ने कुल 7 विकेट लिए थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 1 विकेट लिए थे। अपने बेहतरीन प्रदर्शन के कारण उन्होंने अपने करियर में पहली बार टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में सर्वोच्च वरीयता हासिल की है। अश्विन ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने इस मैच में कुल 8 विकेट लिए थे। इस रैंकिंग में भारत के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल ने 23वां स्थान हासिल किया है। वहीं इस रैंकिंग में जो रूट ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान कोहली का प्रदर्शन पुणे और बेंगलुरु में खेले गए दोनों टेस्ट मैचों में अच्छा नहीं रहा है। उनके बल्ले से दोनों मैचों में कुल 40 रन निकले हैं। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट ने दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। कोहली उनसे 1 अंक पीछे 847 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय गेंदबाज उमेश यादव टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में 29वें स्थान पर हैं। डीआरएस विवाद का सामना कर रहे कंगारू कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर हैं। आईसीसी की टीम रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 75 रनों की जीत के साथ भारत ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।